बमुश्किल 1,000 रुपया दिहाड़ी, 500 से कम तो एक टाइम की रोटी नहीं पकती। वो अपने बच्चों को चप्पल कहाँ से लेके देगा, वो अपने बच्चों को कपड़े कहाँ से लेके देगा, वो अपने बच्चों की तलीम का इंतज़ाम कहाँ से करेगा। ये सवालिया निशान है मौजूदा हुकूमत के लिए भी और आगे आने वाली हुकूमत के लिए। खुदारा लोगों का एहसास करें, खुदारा लोगों का एहसास करें। देखो ना जिदा इन्हें तो रेडी कर नहीं रहा, वो 30 रुपये देना पे, 40 रुपये देना, 50 रुपये देना, 100 देना पे। देखो ना तवाब का रेट है, तवाब गवर्नमेंट लाया एक एक जैसा रेट होना चाहिए। चीज़ 10 रुपये की है, वो तुम 20 रुपये की मिलती पी है, तो फिर वह की करोगे? सब्जियां तुम ली हैं सस्तियां ली हैं महंगी ली हैं? नहीं महंगिया बेच रहे हैं। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान बाऊ हारून चिश्ती, आप देख रहे हैं सुबह टीवी। जी नाज़रीन, सुबह टीवी के नाज़रीन के लिए आज एक बहुत प्यारी वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। वो वीडियो ये है कि मैं इस वक्त मौजूद हूं गुलशन रावी के इतवार बाज़ार में, जहां पे इतवार बाज़ार लगा हुआ है। लगा तो एक अपने नज़्म व ज़ब्त के साथ है, लेकिन महंगाई का जो बढ़ता हुआ तूफ़ान है, उस तूफ़ान का जो है वो यहाँ पे लोगों की ख़रीदारों पर जो है ना असरअंदाज हुआ है। लोग जो है किस तरह वो यहाँ पे महंगी चीज़ें खरीद रहे हैं, जब सस्ती थी तब कितनी खरीदती थी, कितनी मकदार में खरीदते थे, अब जब के महंगी हो गई है, लोगों का जो है ना हाथ वो हैंड टू माउथ हो गया है। किस तरह वो यहाँ से चीज़ें खरीदते हैं, कितनी मकदार में खरीद रहे हैं और महंगाई किस हद तक अरूज पे है, हम ये आपको इंशाल्लाह ताला बताएंगे। हमारे साथ रहिए। यहाँ पे हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं जो यहाँ पे महंगी चीज़ें खरीद रहे हैं और साथ साथ दुहाइयाँ दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। बाजी क्या आलम है महंगाई का? बहुत ज़्यादा महंगाई है, कम कर। कितनी महंगाई हो गई है? बहुत ज़्यादा। पहले आपका कितने में गुजर औकात होता था और अब कितने में होता है? अब तो 1000 में समझ नहीं आती, 5-5 हज़ार भी ले जाओ तो कुछ समझ नहीं आती, इतनी महंगाई है। तो रेट अच्छा लगा है? नहीं कोई, वही बाहर वही मंदिर है मार्केट। अच्छा बाहर भी वही है, अंदर भी इतवार बाजार का कोई फायदा नहीं है? कोई नहीं रहता, कोई दो चीज़ा देखो सब्जियां बाहर 150 रुपये किलो करेले बाहर है। अच्छा इतने 150 देने पे बढ़ के तुम फिर इतने आ गए? वही ना वापस चले होना, नहीं आज देखो वापस ला जा रहे हैं। सौदा सस्ता है महंगा है? सस्ता भी है महंगा भी है, महंगा और आ कहना सही है महंगा कहना सस्ता है, वो हर गए सकता वो लैने काबिल नहीं रहता। महंगाई तो है वे ए कोई शक नहीं, लेकिन सब तो रेट एक नहीं रहा। यह गल असल हैगी बंद इको इतवाब होना चाहिए रेट एक होना चाहिए, इन्हें रेट एक नहीं रहा, वो 30 रुपये देना पे, 40 रुपये देना, 50 रुपये देना, 100 देना पे। देखो ना इतवाब का रेट है, इतवाब गवर्नमेंट लाया एक एक जैसा रेट होना चाहिए। चीज़ 10 रुपये की है, वो तुम 20 रुपये की मिलती पी है, तो फिर वह की करोगे यार? 10 रुपये का मुनाफा जोड़ा ना, और जिनी चीज़ है उन्ना मुनाफा नहीं होंगे, हों 10 की चीज़ के पिछे 2-3 रुपये का मुनाफा होंगे। 10 रुपये 10 रुपये मूहो चोरी मान रहे? मैं नहीं मांग रहा, तेरी गल है ना, 10 रुपये की चीज़ है तो 10 उत्ते रख के बेचनी, 10 सानू तो 5 भी नहीं देंगे अगले। मतलब यह है कि जैसी आवाम वैसा हुक्मरान, यही मतलब है ना? वाह बस फिर इसे तरह समझ, फिर इसे तरह ही है। जी नाज़रीन, यहाँ पे हमारे साथ और भी शहरी मौजूद है, हम उनसे जानने की भाजी तुम इतने बेचने वाले हो की करने वाले हो? दुकानदार है। दुकानदार हो, की बेच रहे हो? पैंटा। पेंट स्टाल है। केड़ी पेंट स्टाल? लंडे दी पेंट। ठीक हो गया, सही बिक रही है? जी शुक्र अल्लाह। ले रहे ने लोग? जी जी बिल्कुल। उन्होंने असर नहीं है महंगाई का? देखो जी असर तो पैंदा है, लेकिन जेड़े जिन्हें को नहीं आया कपड़ा उन्होंने लैके लंडे दी पेंट गुजारा करना है, नवी लैन का कोई चारा नहीं है। सब्जियां तुसी ली हैं सस्तियां ली हैं महंगियां ली हैं? नहीं महंगियां बेच रहे ने, करेले पूछा कह रहा 150 रुपये किलो। माँ जी यार 150-200 रुपये भी बेचेगा, एनू तुसी छड्डो, ए दसो कि तुहाडी एक टाइम की हांडी किन्ने की पक रही है घर? बहुत महंगी पक रही है। इतों के रेट से 12 के रेट कोई फर्क है? नहीं इतों का फर्क है, खैर इतने सस्ता है। हाँ हाँ जी जी नाज़रीन, यहाँ पे इनका कहना है कि यहाँ पे कुछ बाहर के दुकानदारों से रेड़ी बानों से यहाँ पे कुछ कमी है, महंगाई आपके लिए कोई असर नहीं कर? नहीं महंगाई तो है, है तो है, मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि सौदा सस्ता मिल रहा है महंगा मिल रहा है? नहीं अभी तो उधर से बाहर से सस्ता है इधर। सर क्या यहाँ पे सूरत हाल है? नज़्म व ज़ब्त तो ठीक है, लेकिन महंगाई का क्या आलम है? महंगाई इस तरह है कि जो हमने तो कपड़े लिए हैं बच्चों के, वो बाहर से तो बहुत रायत मिले हैं हम। अच्छा बाहर की नस्बत यहाँ रायत है? रायत है। ठीक है,
जाहिर बात है इन्होंने यहाँ पे स्टॉल लगाना है वन डे के लिए, तो वो अगर एक दिन में इनको ज़्यादा चीज़ें निकल जाती हैं तो जाहिर बात है उनको फ़ायदे के लिए है। एक दुकानदार ने अगर दुकान लगाई हुई है वो दिन से लेकर रात तक एक सूट बेचता है तो वो महंगा ही बेचेगा ना। नहीं, अब हालात ये हैं कि हर बंदा दिहाड़ी के चक्कर में है। अच्छा, अब कमाइयाँ नहीं है किसी भी काम में। हाँ सही है, इसलिए वो भी बेचारे अपनी दिहाड़ी के चक्कर में आते हैं, चलो इधर दिहाड़ी लग जाती है। गो के यहाँ पे जो रेट लिस्ट है उस रेट लिस्ट के मुताबिक यहाँ पे सौदा दे रहे हैं, लेकिन वो सौदा है तो महंगा ना। जो पहले सौदा बिकता था वो सस्ता बिकता था, पहले सस्ता था दौर था, अब महंगा दौर है। बाजी तुसी ऐथे देंदे ऐथे स्टॉल लांदे हो तो उसी किन्ना टैक्स देंदे हो? कोई भी नहीं देंदे टैक्स, कोई पैसा नहीं देंदे। ते जेड़ी तुसी चीज़ा वेच रहे हो तुसी समझदे हो कि पहले सस्ती है जी कि हुण सस्ती है? हुण ज़्यादा महंगी, महंगाई आ, महंगाई है, लोग लै रहे ने जिस तरह पहले लेंदे सी कि हुण सही लै रहे? पहला सही चलता हुण नहीं सही चलता। किस तरह तुहाडा गुजरकात होता है? तो बस इस तरह चलन रहा। नहीं चल रहे, किस तरह रहा? मतलब के सौदा वापस लैके जाते हो? वापस लै जीदा। जो पहले किन्ना लैके जाते? पहले काफ़ी सौदा होता, विक जाता सी, विक जाता सी, हुण कोई नहीं छेती लैंदा ना। कोई पा, कोई अद्ध पा, कोई किलो, बस इस तो वध के कोई नहीं लैंदा। नहीं लैंदा। उसने सब्जी वगैरह खरीदने आए लेकिन बहुत महंगी हो चुकी है। बहाना क्या है कि बारिश है। हाँ, हालांकि पैदावार यही की है लेकिन हर चीज़ महंगी है, डबल से डबल रेट पे है। इसकी वजह? वजह मौजूदा हुकूमत है, इससे पहले हुकूमत उसकी भी महंगाई थी, इसने उससे भी आगे महंगाई कर दी है। भाजी तुम की लिया अभी तक? प्याज सोच रहे हैं कि लइए की गुंजाइश से बाहर है, हर चीज़ पहाड़ों से छू रही है। हाँ जी, तो आप क्या पैगाम देंगी जो इस वक्त लड़ाइयाँ लड़े हैं वाने बाला में, उनका कोई फैसला नहीं हो पा रहा? किसी इंसान को है कि खाने की चीज़ें सस्ती कर दें, बस सब कुछ सही, सब्जी वगैरह महंगाई कम कर दें, कम कर दें बस, और क्या 150 सारे बोर्ड इन्हें फिर जाएंगे। एक मिसाल है, वोट आप उसको देंगे जरा चीज़ें सस्ती है, खान वाली खास, खाने वाली। नाजरीन ये बड़ी दर्द दिली वाली बात है, दुख वाली बात है। मेरा ख्याल है ये सियासतदानों को इतनी सी बात में ही ना, मैं नहीं कोई बड़ा लफ्ज़ बोलता लेकिन शर्म भी कोई चीज़ होती है, एहसास भी कोई चीज़ होती है कि आवाम का कहना है सिर्फ हमें खाने की चीज़ें सस्ती कर दो। खुदारा खाने की चीज़ें सस्ती कर दो। लोग किस तरह अपने बच्चों को पालते हैं, किस तरह उनकी गुजरोकात कर रहे हैं, खुदारा इन लोगों पर रहम खाओ। ये तो बेचारे सिर्फ इस चीज़ों को सस्ता होने के पीछे आपको वोट देने के लिए तुले हुए हैं। खुदारा इन लोगों पे रहम करे। ये लोग दिन को गया, एक मजदूर आदमी रात को आया, बमुश्किल 1000 रुपया दिहाड़ी, 500 से कम तो एक टाइम की रोटी नहीं पकती। वो अपने बच्चों को चप्पल कहाँ से लेके देगा? वो अपने बच्चों को कपड़े कहाँ से लेके देगा? वो अपने बच्चों की तलीम का इंतज़ाम कहाँ से करेगा? ये सवालिया निशान है मौजूदा हुकूमत के लिए भी और आगे आने वाली हुकूमत के लिए। खुदारा लोगों का एहसास करें, खुदारा लोगों का एहसास करें। अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें। के साथ अपने मेज़बान बहू हारून चिश्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।